हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल एडुकेशन। ये हमारी ऑटोकैड की 7 लेक्चर वीडियो है। लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगल और मिरर देखा था। इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेच, इलिप्स, स्केल, फिलेट और चैम्फर देखेंगे। तो आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक्स। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। लास्ट कमांड हमने रेक्टेंगल देखा था और मिरर, ये कवर किए थे हम लोग। आज का जो कमांड है वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? खींचना, यानी किसी भी चीज़ को खींचने को हम लोग स्ट्रेच बोलते हैं। तो इधर आते हैं अपने ऑटोकैड पर, लाइन से कुछ बनाते हैं। ध्यान दो, जैसे कि एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करते हैं, जस्ट ऐसा कुछ। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अभी हम क्या चाहते हैं, इस चीज़ को, इस रेक्टेंगल को स्ट्रेच करके इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट, इसको हम खींचना चाहते हैं, मतलब स्ट्रेच करके बड़ा करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, स्ट्रेच के लिए कमांड क्या बता रहा है आपको, ध्यान दीजिए। एस एंटर, देन क्या बोल रहा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रेच। जिस भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन बेस पॉइंट बताएंगे, यानी एक बेस पॉइंट बताना होगा। ये क्यों बताना होगा, हम लोग किसी भी चीज़ को, जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को अगर हम खींचना चाहते हैं तो क्या करना होगा, एक जगह हमें होल्ड करना होगा उस चीज़ को, एक रबर बैंड को एक जगह से होल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से हम लोग उसको खींचेंगे, तभी वो स्ट्रेच में आएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी, हमें एक बेस पॉइंट बताना होगा जिस पॉइंट को हम लोग फिक्स रखेंगे और दूसरी चीज़ को हम लोग स्ट्रेच करेंगे दूसरी साइड से। उसके बाद डायरेक्शन बताएंगे किस डायरेक्शन में करना है स्ट्रेच, और डायरेक्शन बता करके वैल्यू बताएंगे उसकी। तो इधर आ जाओ, मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको स्ट्रेच करने के लिए कमांड क्या दे रहे हैं, एस एंटर। एस एंटर करने के बाद ध्यान दीजिए, अगर मुझे लेफ्ट टू राइट इसको स्ट्रेच करना है, दैट मीन्स आपका मूवमेंट में क्या आएगा, ये लाइन आएगा, देन ये लाइन आएगा और ये लाइन, ये तीनों लाइन क्या होगा, हमारा मूवमेंट में आएगा। और ये लाइन आपका क्या होगा, एज इट इज इसी पोजिशन पर ये होल्ड रहेगा। तो सेलेक्ट किसको करेंगे, पूरे कंप्लीट को सेलेक्ट नहीं करना होगा आपको, बस इस तीनों लाइन को आप सेलेक्ट करो। इन तीनों लाइन को सेलेक्ट किए, देन एंटर करो। एंटर करने के बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी एक पॉइंट आपको बताना होगा, बेस पॉइंट यानी जिस पॉइंट को पकड़ करके हम इसको खींचेंगे। तो बेस पॉइंट आप कहीं भी बता सकते हो, जैसे कि मैंने इस कॉर्नर को मैंने बेस पॉइंट माना, इसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये आपका स्ट्रेच मोड में आ गया। स्ट्रेच मोड में आया, देन जितना भी स्ट्रेच करना है, जो भी करना है, आप यहाँ से डिस्टेंस बता सकते हो। जैसे मैंने बोला 500 करना है, वैल्यू दिए 500, एंटर। देखिए ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या हुआ, 500 स्ट्रेच हो गया। सिमिलरली मुझे नीचे की तरफ इसको स्ट्रेच करना है, उसके लिए अगेन कमांड देंगे एस एंटर। देन अगर नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, दैट मीन्स ये लाइन हमारा क्या होगा, एज इट इज होल्ड होगा। तो मूवमेंट में क्या आएगा, एक दो तीन, ये तीनों लाइन। तो इन तीनों को आप सेलेक्ट कर लो, देन एंटर। उसके बाद अगेन एक बेस पॉइंट आपको बताना है, हमने बेस पॉइंट इस पॉइंट को ले लिया। नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, नीचे की तरफ कर्सर को ड्रैग करो, देन वैल्यू बताओ कितना स्ट्रेच करना है। मैंने बोला 800, वैल्यू दिए 800, एंटर। ये आपका देखिए नीचे की तरफ क्या हुआ, ये 800 स्ट्रेच हो गया। ये था हमारा स्ट्रेच। देन नेक्स्ट कमांड है हमारा एलिप्स। अभी ये एलिप्स किसको बोलते हैं, जो अंडाकार का शेप होता है उसे हम लोग बोलते हैं एलिप्स। एलिप्स के अंदर दो एक्सिस होता है, कौन कौन सा एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस होता है और दूसरा माइनर एक्सिस होता है। तो मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे और माइनर एक्सिस किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिए। प्रिंट पे आते हैं थोड़ा, और एक इलिप्स का शेप हम ड्रॉ करते हैं। मान लो ये हमारा एक इलिप्स है। इलिप्स बनाने के बाद इसमें मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे हम लोग, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, जैसे ये जो हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमारा क्या होगा, मेजर एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मेजर एक्सिस। जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, ये हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। ठीक है, आपका इलिप्स का शेप कैसा भी हो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपका मेजर, जो स्मॉलेस्ट होगा वो माइनर। देखो सिमिलरली ये एक इलिप्स ऐसा कुछ बना है, इसमें मेजर एक्सिस कौन सा हो जाएगा आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमारा अभी ये हो रहा, मतलब ये मेजर एक्सिस,
और ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, मतलब ये माइनर एक्सिस। जो भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका माइनर एक्सिस, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को मेजर एक्सिस हम लोग कंसिडर करते हैं। इधर आते हैं, एलिप्स है हमारा ये नेक्स्ट कमांड। ये एलिप्स, एलिप्स के अंदर देखिए तीन टाइप है आपका, सेंटर, एक्सिस एंड और इलेप्टिकल आर्क। ठीक है, एलिप्स को हम लोग तीन वे से बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर। सबसे पहला जो है वो है हमारा एक्सिस एंड, मतलब अभी जो एलिप्स बनाएंगे वो हमारा एक्सिस एंड के हेल्प से बनाएंगे। इसके लिए कमांड क्या देना होगा आपको, सबसे पहले एलिप्स के लिए कमांड देंगे ई एल इंटर, देन स्टार्ट पॉइंट ऑफ एक्सिस बताएंगे, उसके बाद एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, उसके बाद डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। देखते हैं कैसे, इधर आइए एक बार। एलिप्स के लिए हम कमांड दे रहे हैं ई एल इंटर, ई एल इंटर करने के बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, और ब्रैकेट में है आर्क और सेंटर। ये चीज हमें अभी कंसिडर नहीं करना है, अभी हमें क्या बताना है, एक्सिस का एंड पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट अभी हम इधर बताएं। फर्स्ट पॉइंट बताने के बाद डायरेक्शन बताएं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितने का डिस्टेंस, हमने बोला 300 का डिस्टेंस, 300 इंटर। उसके बाद अनदर साइड, देखिए स्पेसिफाइड डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, यानी दूसरी डायरेक्शन में आपको एलिप्स का क्या वैल्यू रखना है। इधर मैंने बोला 80 इंटर, एक हमारा ऐसा एलिप्स बन के रेडी हुआ। इस एलिप्स को हम लोग एक्सिस एंड कैसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें जो हमने पहला डिस्टेंस बताया वो इस एंड से लेकर के इस एंड तक, यानी ये जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है कंप्लीट एंड टू एंड हम डिस्टेंस बताते हैं, और दूसरा जो वैल्यू होता है वो सेंटर टू एंड बताते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस एंड एलिप्स, मतलब जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बता रहे हैं यानी एंड टू एंड पहला डिस्टेंस और दूसरा सेंटर टू एंड, उससे हम लोग बोलते हैं एक्सिस एंड एलिप्स। क्या है, सेंटर एलिप्स, यानी अब जो एलिप्स बनाएंगे वो सेंटर के अलोंग बनाएंगे, मतलब दोनों वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, सेंटर के अलोंग ही देते हैं। उसके लिए भी सेम कमांड चलेगा ई एल इंटर, उसके बाद आपको सेंटर के लिए क्या कमांड देना है, सी इंटर, देन सेंटर पॉइंट सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, देन अनदर डिस्टेंस बताएंगे, यानी दोनों डिस्टेंस आपको बताना होगा। इधर आ जाओ, कमांड देते हैं ई एल इंटर, ई एल इंटर करने के बाद आपको सेंटर के अलोंग बनाना है, तो कमांड क्या देना है, सी इंटर। सी इंटर करने के बाद सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट बता दो, सेंटर पॉइंट बताने के बाद डायरेक्शन बताएं, इस डायरेक्शन में हमें वैल्यू कितनी रखनी है, हमने बोला 80 इंटर, दूसरी साइड आपको वैल्यू कितनी रखनी है, मैंने बोला 120 इंटर। ऐसा कुछ एलिप्स बना, मतलब इसका सेंटर से फर्स्ट डिस्टेंस हमने 80 दिया है और सेंटर से दूसरी डिस्टेंस हमने कितना दिया है, 120। ठीक है, यानी इसमें हमने क्या किया, दोनों डिस्टेंस सेंटर से ही बताया है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर एलिप्स। ये दो टाइप से हम लोग कंप्लीट एलिप्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है इसमें वो क्या हमारा, इलेप्टिकल आर्क, यानी ये हमारा जो इलेप्टिकल आर्क होगा ये कंप्लीट एलिप्स ना होकर के एलिप्स का एक पार्ट होगा, मतलब आपका आर्क जैसा था सर्कल का आर्क, क्या बोलते हैं, मतलब सर्कल का एक पार्ट होता है, उसी तरह इलेप्टिकल आर्क आपका एलिप्स का एक पार्ट होगा, मतलब ये कहीं से भी ब्रेक होना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, कहीं से ब्रेक होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेप्टिकल आर्क। उसके लिए भी ध्यान दीजिए, कमांड क्या है, ई एल इंटर, देन आर्क के लिए ए इंटर, देन ड्रो एन एलिप्स विद द हेल्प ऑफ एक्सिस एंड और सेंटर, मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, ए इंटर करने के बाद इस इलिप्टिकल आर्क को या तो एक्सिस एंड के हेल्प से बना सकते हैं या फिर हम लोग सेंटर के हेल्प से बना सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट एंगल बताना है और एंड एंगल आपको बताना है, ध्यान दीजिए। इधर आते हैं, कमांड देते हैं ई एल इंटर, ई एल इंटर करने के बाद अगर आर्क के अकॉर्डिंग बनाना है, आर्क बनाना है तो उसके लिए कमांड हो जाएगा ए इंटर, ए इंटर करने के बाद आपको ये क्या बोल रहा है, एक्सिस एंड पॉइंट पूछ रहा है या तो सेंटर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अगर सेंटर के अलोंग बनाना है तो सी इंटर करना होगा, या एक्सिस एंड के अलोंग बनाना होगा तो डायरेक्ट आपको एंड पॉइंट बताना होगा, यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें एक एलिप्स का वैल्यू देना होगा, कंप्लीट एलिप्स का पहले डायमेंशन बताएंगे, उसके बाद स्टार्ट एंगल और एंड एंगल, यानी स्टार्ट पॉइंट हम इधर बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एक्सिस का एंड, दूसरा इस डायरेक्शन में बोलते हैं 250 इंटर, दूसरी डायरेक्शन में हम वैल्यू दिए 80 इंटर, ऐसा। यानी पहले हमारा एक एलिप्स का हमने डायमेंशन दिया, अब देखिए क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, यानी इस एलिप्स के लिए आपको एंगल स्टार्ट कहां से करना है, एंगल हमने बोल दिया 30 डिग्री से हमें स्टार्ट करना है, तो वैल्यू दीजिए 30 इंटर। ये देखिए आपका ये 30 डिग्री से स्टार्ट हो गया बनना, और यहाँ नीचे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई एंड एंगल, यानी आपको जहां तक भी रखना है डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो या फिर आप एंड का वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, एंड वैल्यू हमने बोला 320 इंटर,
देखिए ये एलिप्स आपका 0 30 डिग्री से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक बना, 320 तक। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर हमने तो पढ़ा है 0 डिग्री यहाँ होता है और 30 डिग्री इधर कुछ आएगा, तो फिर इधर क्यों हुआ? तो इसका भी एक कंडीशन है ऑटोकैड के अंदर, ध्यान दीजिए। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इधर हमारा प्लस एक्स होता है, हमें पता है, ऊपर की तरफ प्लस वाई, नीचे इस डायरेक्शन में हमारा माइनस एक्स, इधर हमारा माइनस वाई। प्लस एक्स पे हमें क्या पता है, 0 डिग्री फॉर्मड होता है, प्लस वाई पे हमारा 90 डिग्री होता है, माइनस एक्स पर हमारा 180 होता है, माइनस वाई पर हमारा 270 होता है, और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद यहाँ हमारा 360 होता है। ऐसा ही चलता है, राइट? लेकिन अगर जब भी हम इलिप्स बनाने जाएं, अगर इलिप्स का स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ बता रहे हैं और सेंटर पॉइंट या एंड पॉइंट नीचे की तरफ बता रहे हैं, तो स्टार्ट पॉइंट जो बताया है वो एज अ 0 डिग्री कंसिडर करता है। जब भी इलिप्स बनाएंगे, इलिप्टिकल आर्क बनाएंगे, यानी आर्क के केस में, या सर्कल का हो या फिर इलिप्स का हो, आर्क के केस में जहाँ भी हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा वो एज अ 0 डिग्री कंसिडर करता है, और वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका चलता है। जैसे ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है ना यहाँ से, ऐसा उसी तरह से हमारा जो भी स्टार्ट पॉइंट होगा, स्टार्ट पॉइंट से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका चलेगा वैल्यू एंगल का। सिमिलरली अगर इधर स्टार्ट पॉइंट बताते हैं, इधर हम अगर सेंटर पॉइंट या फिर एंड पॉइंट बताते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका स्टार्ट पॉइंट 0 डिग्री और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका आर्क बनेगा। सेम कंडीशन इधर अगर स्टार्ट पॉइंट बताते हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग सेंटर पॉइंट या फिर एंड पॉइंट बताते हैं, स्टार्ट पॉइंट आपका 0 डिग्री कंसिडर करेगा और स्टार्ट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका आर्क बनेगा। सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ बताया था, एंड पॉइंट हमने इस डायरेक्शन में बताया था, तो आपका स्टार्ट पॉइंट 0 डिग्री कंसिडर हुआ और 30 डिग्री नीचे की तरफ से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 320 डिग्री तक बना दिया। फिर से ध्यान दीजिए, अगेन ई एल एंटर दिए कमांड, आर्क के लिए ए एंटर। अगर एक्सिस इन से बनाना है तो डायरेक्ट आप स्टार्ट पॉइंट बताइए, स्टार्ट पॉइंट बताएं, ऊपर नीचे की तरफ वैल्यू बोल दिए 150 एंटर, ठीक है। देन दूसरी तरफ का वैल्यू हमने बोल दिया 50 एंटर, ऐसा एलिप्स बना। देन स्टार्ट एंगल पूछ रहा है, स्टार्ट एंगल अगर बोलते हैं 45 एंटर, देखिए ये आपका 45 डिग्री से बनाना स्टार्ट हुआ, कहाँ तक बनाना है ये एंड एंगल पूछ रहा है, हमने बोला टोटल 360 तक बनाना है, 360 एंटर, ये आपका 45 से स्टार्ट हुआ 360 तक जा करके बना दिया। ये होता है हमारा इलेप्टिकल आर्क विद द हेल्प ऑफ एक्सिस एंड पॉइंट। इसी चीज़ को हम लोग सेंटर के लोग बनाना हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ई एल एंटर, पहले आर्क के लिए ए एंटर कमांड देंगे। अगर सेंटर के लोग बनाना है तो फिर से आप कमांड दे दो सी एंटर, देन सेंटर पॉइंट बताओ, डायरेक्शन बताएं, इस डायरेक्शन में स्टार्ट पॉइंट इस डायरेक्शन में लेते हैं, हम बोल दिए 200 एंटर, देन ऊपर की तरफ वैल्यू हमने बोल दिया 90 एंटर, एक इलिप्स बना। देन स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल हमने बोला 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, 0 एंटर, देखिए आपका 0 डिग्री से स्टार्ट हो गया। कहाँ तक बनाना है, हमने बोला 270 डिग्री तक, 270 एंटर, देखिए ये आपका स्टार्ट पॉइंट से 0 डिग्री ये कंसिडर किया और आपका 270 तक बना दिया, ठीक है। ये है हमारा एलिप्स। नेक्स्ट आता है हमारा कमांड एलिप्स कंप्लीट। नेक्स्ट कमांड जो है हमारा स्केल। स्केल के लिए कमांड क्या होगा, एस सी इंटर। स्केल का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्केल का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो कि कोई गाड़ी का बॉडी बना रहे हैं, गाड़ी का बॉडी अगर बना रहे तो गाड़ी का बॉडी का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होता है। यानी स्क्रीन के ऊपर अगर हम देखें तो गाड़ी का जो बॉडी होगा, जो बॉडी बनेगा हमारा, वो अप्रोक्स मान लो इतना बड़ा है, ठीक है। अगर इसी के कंपैरिजन में अगर इस बॉडी के लिए अगर नट और बोल्ट या स्क्रू का डिजाइन करते हैं सेम स्क्रीन पर, तो वो कितना छोटा होगा, जस्ट इतना छोटा कुछ, मतलब हमारा एकदम इनविजिबल टाइप का शेप दिखेगा, एकदम छोटा सा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, किसी रेशियो के अकॉर्डिंग कम कर देते हैं, या फिर अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो उसको किसी रेशियो के अलोंग क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, राइट। मतलब किसी रेशियो के अलोंग, मतलब कोई ड्राइंग आप देखोगे उस ड्राइंग के नीचे लिखा हुआ क्या होता है, स्केलिंग बाई 2x, 3x, 5x, 10x। इसका मतलब क्या होता है, स्केलिंग बाई 2x लिखा हुआ है, दैट मीन्स उस जो भी उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का शेप है, ओरिजिनल ड्राइंग का जो शेप है, उसे क्या किया गया है, उस ड्राइंग को
टू टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका स्केल किया गया है। अगर 5x है मतलब उसके ओरिजिनल डायमेंशन से क्या है, वो 5 गुना बढ़ाया हुआ है। मतलब जो भी उसका शेप होता है, ओरिजिनल डायमेंशन होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, 5 टाइम्स बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि किस ऑब्जेक्ट को हम लोग कितने टाइम्स बढ़ाएं, अपने अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 4 टाइम्स इस तरह से, और उसके नीचे हम लोग टेक्स्ट डाल देते हैं स्केलिंग बाई 2x, 4x, 10x, 5x इस तरह। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, कमांड देते हैं rec enter। ठीक है, देन rec enter करने के बाद स्टार्ट पॉइंट बताते हैं और इसको डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं d enter। डायमेंशन के लिए इसका लेंथ बोल दिए हम 50, एंटर। विड्थ बोल दिए हम 30, एंटर। देन ऐसा कुछ क्लिक किया, ऐसा मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अभी इसका हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन दे दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप कंसिडर मत कीजिएगा डायमेंशन, क्योंकि अभी तक हमने डायमेंशन नहीं बताया। ठीक है, तो इसका डायमेंशनिंग हम कर दे रहे हैं। देखिए ये क्या है, 50 और 30 इसका वैल्यू है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को स्केल करने जा रहे हैं कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो उसके लिए कमांड क्या होगा, sc enter। ठीक है, देन क्या बोल रहा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, देन एंटर। उसके बाद क्या बोल रहा, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी एक पॉइंट बताना होगा जिस पॉइंट को हम लोग फिक्स करेंगे, इसके बेस पॉइंट हम बोल देते हैं इसका सेंटर। ठीक है, सेंटर बताएं, देखिए ये इसके सेंटर के अलोंग बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, यानी किस फैक्टर के अलोंग आपको इसको स्केल करना है, बड़ा करना है या छोटा करना है। अगर बड़ा करना हो तो डायरेक्ट आप वैल्यू दे दो, अगर जैसे मुझे क्या करना है, 2 टाइम्स इसको बड़ा करना है, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू क्या देंगे, 2 enter। ये देखिए इसका ओरिजिनल जो वैल्यू था, जो शेप था, उससे ये क्या हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। यानी देखिए लेंथ इसका 50 था, ये 100 हो गया, विड्थ इसका 30 था, ये आपका 60 हो गया। इसी तरह से अगर इसको कम करना है, छोटा करना है, तो क्या करेंगे, सेम कमांड चलेगा, sc enter, देन सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद अगेन बेस पॉइंट बताना है, बेस पॉइंट बता दिए। बेस पॉइंट बताने के बाद अगर इसको छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए वैल्यू क्या देंगे, कितना टाइम्स आपको इसको छोटा करना है, जितना भी टाइम्स आपको इसको छोटा करना है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले 1 देंगे, यानी टोटल में कितना छोटा करना है, यानी 1 divided by का साइन देंगे, 1 by, कितने टाइम्स छोटा करना है, 2 टाइम्स छोटा करना है, तो 1/2, इंटर। ये देखिए क्या हुआ, आपका टोटल में 2 टाइम्स छोटा हो गया, यानी 50 और 30 अगेन सेम ओरिजिनल वैल्यू पर आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपका क्या है, स्केलिंग। इसमें कुछ भी आप बना दो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेक्टेंगल, कुछ भी बना दो, जैसे कि इसके अंदर हम सर्कल भी ले लेते हैं, c enter, और इसके बीच में एक सर्कल बना देते हैं रेडियस 8 का। ठीक है, इसका भी हम वैल्यू दे देते हैं, डायमेंशन दिखा देते हैं इसका, रेडियस 8। उसी तरह से अगेन एक सर्कल बनाते हैं, इधर कुछ इसका रेडियस वैल्यू बोल दिए 5, अगेन इसका हम रेडियस की डायमेंशन बता दिए 5। ठीक है, अभी देखिए पूरे को स्केल कर रहे, अगेन कमांड दिए sc enter, अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, देन बेस पॉइंट। बेस पॉइंट अभी हम इसको ले लेते हैं, अगर देखिए ये पॉइंट आपका फिक्स होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बड़ा और छोटा होगा। अभी हम क्या कितने टाइम्स बड़ा करना चाहते हैं, 4 टाइम्स, वैल्यू दिए 4 enter। देखिए ये आपका स्क्रीन से बाहर जा रहा है, जूम इन कर लो आप इसको, देखो इसका वैल्यू 4 टाइम्स, यानी इसका लेंथ 50 था, 4 टाइम्स बड़ा, 200 हो गया, 30 था, विड्थ 120 हो गया, ये आपका कितना था, 8 था, 4 टाइम्स बड़ा, 32 हो गया, ये 4 था, कितना हो गया, 20 हो गया, 4 टाइम्स ये इंक्रीज कर गया। ठीक है, ये था हमारा स्केलिंग। नेक्स्ट है फिलेट। फिलेट हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जाकर के देखिए, हमने रेक्टेंगल के अंदर फिलेट कमांड पढ़ा था। ठीक है, वो सिर्फ फिलेट क्या था, सिर्फ रेक्टेंगल के लिए था। जब भी रेक्टेंगल बनाना हो, रेक्टेंगल के अंदर हम फिलेट कमांड वो यूज कर रहे थे। फिलेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कॉर्नर शार्प होता है, दैट मीन्स उस, देखिए इस ऑब्जेक्ट का अगर कॉर्नर शार्प है, दैट मीन्स क्या होगा, इस कॉर्नर को अगर कहीं भी टकराता है ये कॉर्नर, तो क्या होगा, टूटने का चांसेस ज़्यादा होगा। हम लोग करते क्या है, कॉर्नर पे कर्व शेप क्रिएट कर देते हैं, और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलेट, इससे हम लोग बोलते हैं फिलेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें, तो ये एक सर्कल का पार्ट होगा। ठीक है, अगर सर्कल का पार्ट होगा, दैट मीन्स इसका सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा मतलब इसका एक रेडियस भी होगा। क्या चाहिए होगा हमें फिलेट बनाने के लिए, रेडियस वैल्यू चाहिए होगा।
हमने जो रेक्टेंगल में फिलेट पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पे सेम साइज का फिलेट लग रहा था। अब जरूरी तो नहीं है कि अभी हमें सिर्फ रेक्टेंगल के ही कॉर्नर पे फिलेट लगाना हो, कैसा भी कॉर्नर हो सकता है, जैसे कि ऐसा कुछ हमारे पास कॉर्नर है इस तरह से, मुझे क्या चाहिए, ऐसा कुछ हमारे पास कॉर्नर है तो हमें क्या करना है, इस कॉर्नर को कर्व करना है, फिलेट लगाना है। तो उसके लिए कमांड क्या होता है, ध्यान दीजिए, इफ एंटर देन आर एंटर। पहले एफ इंटर फॉर फिलेट रेडियस के लिए आर इंटर करेंगे, देन फिलेट की रेडियस बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट को। ध्यान दीजिए इधर कमांड दे रहे हैं एफ इंटर। एफ इंटर करने के बाद नीचे देखिए रेडियस है, अगर रेडियस के अलोंग आपको करना है तो क्या करेंगे, कमांड देंगे आर इंटर। आर इंटर करने के बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, रेडियस की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, रेडियस वैल्यू मैंने बोला टू इंटर। टू इंटर करने के बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट हमने ये सेलेक्ट किया, सेकेंड हमने ये सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ रेडियस टू का फिलेट लग गया और अपने आप ये कमांड से भी बाहर हो गया। सिमिलरली इधर मुझे थ्री का फिलेट लगाना है, अगेन कमांड देंगे एफ इंटर, रेडियस के लिए आर इंटर, उसके बाद रेडियस की वैल्यू बताना, हमने बोला थ्री इंटर, उसके बाद अगेन सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, रेडियस थ्री का फिलेट लगा, अगेन कमांड से बाहर। इधर मुझे फोर का फिलेट लगाना है, अगेन कमांड दो एफ इंटर आर इंटर, रेडियस वैल्यू फोर इंटर, अगेन सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये आपका फोर का फिलेट लग गया, ठीक है, लेकिन अपने आप कमांड से भी बाहर हो जा रहा है। उसी तरह से ध्यान दीजिए अंडो की है, उसी तरह से अगर हम बोलते हैं कि मुझे तीनों कॉर्नर पे सेम साइज का फिलेट यूज करना है, रेडियस 3.5 का, तो क्या करना होगा, एक बार इधर कमांड देंगे, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों को, इधर हमारा फिलेट लग गया कमांड से बाहर, इधर भी मुझे सेम साइज का फिलेट लगाना है तो फिर से सेम कमांड पे जाएंगे, इधर भी सेम लगाना है यानी फिर से सेम काम करेंगे, यानी अगर मल्टीपल टाइम्स अगर आपको यूज करना हो तो क्या करना होगा, हमें मल्टीपल टाइम कमांड देना होगा, ऐसा ही कुछ करना होगा, तो वैसा हमें नहीं करना होगा। ध्यान दीजिए क्या करना होगा, उसके लिए कमांड सेम चलेगा एफ इंटर, रेडियस के लिए आर इंटर, अब हमें रेडियस की वैल्यू बताना, हमने बोला 3.5 इंटर, उसके बाद अगर मल्टीपल टाइम्स यूज करना होगा तो देखिए इधर आपका लास्ट में एक कमांड मिलेगा मल्टीपल का, मल्टीपल के लिए आप कमांड दे दो एम इंटर, उसके बाद अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, क्या हुआ 3.5 का फिलेट लगा, और देखिए ये अभी भी आपका कमांड में, कमांड से बाहर नहीं गया। अगेन आप इसको यूज कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड, अगेन 3.5 का फिलेट लग गया, सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड, ये अगेन 3.5 का फिलेट लगा, अभी भी ये कमांड में है, मतलब जितने टाइम्स आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो, जब तक हम इसमें एस्केप नहीं करेंगे तब तक कमांड से बाहर नहीं होगा, अभी हम एस्केप इसको करेंगे तभी ये कमांड से बाहर होगा। ये था हमारा फिलेट। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारा, चैम्फर। चैम्फर भी हमने लास्ट क्लास रेक्टेंगल में देखा था। चैम्फर मतलब होता क्या है, मतलब कॉर्नर अभी हमने क्या किया, कर्व किया, कर्व किए तो इसको क्या बोलते हैं, फिलेट। चैम्फर का मतलब क्या होता है, कॉर्नर पर इंक्लाइंड शेप दे देना, इससे हम लोग बोलते हैं चैम्फर, ठीक है। देन अगर इसमें हम लोग देखें तो अगर इसके कॉर्नर को अगर एक्सटेंड करें तो ये क्या हो रहा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, उसी तरह से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हमारा कर रहा, ठीक है। यानी इसमें दो डिस्टेंस है, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस और सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, यानी इसमें से किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हो, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस और सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, ठीक है। और रेक्टेंगल में जो हमने पढ़ा था वो क्या हो रहा था, रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पे हमारा चैम्फर लग रहा था और सेम साइज का चैम्फर लग रहा था। जैसे कि अगर कुछ ऐसा सिमिलर कॉर्नर है, कुछ भी कॉर्नर है, उसके कॉर्नर पर हमें क्या करना है, चैम्फर लगाना है और वेरिएबल साइज का चैम्फर लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, चैम्फर के लिए कमांड क्या देंगे, ध्यान दीजिए, चैम्फर भी हम लोग इसमें दो वे से बनाएंगे, पहला डिस्टेंस के अलोंग और दूसरा एंगल के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस का मतलब क्या है, इसके लिए कमांड हो जाएगा सी एच ए इंटर, देन डिस्टेंस के लिए डी इंटर, उसके बाद फर्स्ट चैम्फर का डिस्टेंस बताएंगे, देन सेकेंड चैम्फर का डिस्टेंस बताएंगे, उसके बाद फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे और फिर सेकेंड लाइन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इधर आते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, लाइन के हेल्प से रेक्टेंगल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी ध्यान दीजिए, अभी इस पे क्या करना है, हमें चैम्फर लगाना है इस कॉर्नर पर। चैम्फर के लिए कमांड क्या देना है, सी एच ए इंटर। सी एच ए इंटर करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करने के लिए आपको नहीं करना है, क्या करना है, डिस्टेंस के अलोंग बनाना है, तो डिस्टेंस के लिए कमांड क्या देना है आपको, डी इंटर। डी इंटर करने के बाद क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हमने बोला टू इंटर, देन स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस हमने बोला फोर इंटर, उसके बाद फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है।
फर्स्ट लाइन अभी हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन इसको सेलेक्ट किया मतलब क्या है, जो हमने फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस दिया है 2, मतलब इसमें से क्या होगा 2 आपका कटेगा। अगर सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस इसको बताते हैं मतलब इसमें से कितना कटेगा आपका 4 कटेगा। देखिए ये आपका इसमें से 2 कटा है और इसमें से आपका 4 कटा है, ठीक है। और आपका देखिए कमांड से बाहर भी हो गया, चैम्फर लगा और कमांड से बाहर। सिमिलरली देखिए सी एच ए इंटर, देन डिस्टेंस के लिए डे इंटर, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हमने बोला 5 इंटर, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस हमने बोला 9 इंटर, उसके बाद फर्स्ट सेलेक्ट, फर्स्ट में इसको सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब इससे फर्स्ट लाइन से कितना कटेगा 5, सेकेंड लाइन इसको अगर सेलेक्ट करें तो इसमें से कितना कटेगा 9, सेलेक्ट किए इसमें से 5 और इसमें से 9, ठीक है। और अपने आप कमांड से बाहर भी हो जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं सेम सी एच ए इंटर, डिस्टेंस के लिए डे इंटर, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हमने बोला 6 इंटर, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस हमने बोला 10 इंटर, अगेन सेलेक्ट फर्स्ट लाइन यानी इसमें से 6 कटेगा, सेकेंड इसको सेलेक्ट करें मतलब इसमें से 10 कटेगा, और दोनों को क्या करेगा ये मीट कर देगा इंक्लाइंड लाइन से, और कमांड से अपने आप बाहर हो रहा। तो अगर हम चाहते हैं क्या कि मल्टीपल टाइम्स सेम साइज का हम चैम्फर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, सेम चलेगा कमांड सी एच ए इंटर, डिस्टेंस के लिए डे इंटर, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हमने बोला 8 इंटर, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस हमने बोला 12 इंटर। देन अगर मल्टीपल टाइम यूज करना है, देखिए यहाँ अगेन आपको मल्टीपल का ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टीपल टाइम के लिए कमांड दो एम इंटर, देन सेलेक्ट करो फर्स्ट इसमें से आपका 8 जाना है, सेकेंड इसको सेलेक्ट करें मतलब इसमें से 12 जाना है। देखिए अभी भी कमांड में है, इसमें हम लोग 8 इसमें से 12, अगेन इसमें से 8 इसमें से 12, इसमें से 8 इसमें से 12, ठीक है। सिमिलरली इसमें से 8 इसमें से 12, इसमें से 8 इसमें से 12, देन स्केप करेंगे कमांड से बाहर। ये हमारा चैम्फर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको अंडो कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, चैम्फर बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। मतलब अब जो चैम्फर बनेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्टेंस बताएंगे। मतलब ये अगर चैम्फर बता रहे हैं तो इसमें से कोई एक डिस्टेंस बताएंगे, अगर ये डिस्टेंस बता रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है ये बताएंगे हम एंगल। अदरवाइज अगर इस डिस्टेंस को हम लोग ले रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इस एंगल को हम लोग बताएंगे, यानी पहला जो बताएंगे डिस्टेंस और दूसरा एंगल बताएंगे, ठीक है। यानी एक डिस्टेंस और दूसरा एंगल, इसके लिए क्या कमांड होगा ध्यान दीजिए, सी एच ए इंटर, देन एंगल के लिए ए इंटर, उसके बाद फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस बताएंगे, देन एंगल फ्रॉम द फर्स्ट चैम्फर लाइन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लाइन बताएंगे, देन सेकेंड लाइन। इधर आ जाओ, कमांड देते हैं सी एच ए इंटर, देन एंगल है इधर आपका, एंगल के लिए कमांड क्या हो जाएगा ए इंटर, उसके बाद चैम्फर लेंथ बताना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट चैम्फर लेंथ बताना है, एंगल लेंथ हमने बोला 6 इंटर। अब क्या बोल रहे, जैसे इंटर किए स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, चैम्फर एंगल बताना है, एंगल हमने बोला 30 डिग्री 30 इंटर, देन फर्स्ट अगर इसको सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब इसमें से कितना कटेगा 6, देन अगर इसको सेकेंड में सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए ये आपका यहाँ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होकर के इससे क्या करेगा ये मीट कर देगा, और देखिए कमांड से बाहर। सिमिलरली अगर मल्टीपल टाइम यूज करना है तो सेम कमांड चलेगा सी एच ए इंटर, एंगल के लिए ए इंटर, देन फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हमने बोला 10 इंटर, देन एंगल हमने बोला 60 इंटर, देन मल्टीपल टाइम यूज करना है तो सेम लास्ट में आप कमांड दे दो एक एम इंटर। पहले इसको अगर सेलेक्ट करें इसमें से 10 जाएगा, अगर सेकेंड इसको सेलेक्ट करें मतलब इसमें से ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, अगेन पहले इसको सेलेक्ट करें मतलब इसमें से 10 और इस पे 60 डिग्री का एंगल, अगेन इस पे 10 और इस पे 60 डिग्री का एंगल, इसमें से 10 इसमें 60 डिग्री का एंगल, इसमें से 10 इसमें 60 डिग्री का एंगल, इस तरह से हम लोग चैम्फर क्रिएट करेंगे। स्केप करेंगे तभी कमांड से बाहर होगा, ठीक है। देन इसका कुछ ड्राइंग भी है, आप ड्राइंग भी देख सकते हो, ये एलिप्स के अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं, ये एलिप्स जो हमने कमांड पढ़ा है एलिप्स के हेल्प से ये हमारा एलिप्स का ड्राइंग बन जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग प्रैक्टिस करो इस ड्राइंग को। देन और भी अगर देखोगे तो बहुत से जगह पर फिलेट वगैरह यूज हो रखा है, जैसे हमने यहाँ क्या किया था 10-10 रेडियस से ड्राइंग जो हमने बताया, ड्राइंग का एक लेक्चर भी हमने
अपलोड करा है उसमें हमने क्या किया था, इस कॉर्नर को कर्व करने के लिए सर्कल के हेल्प से कर्व किया है। आप इसको फिलेट के हेल्प से भी कर्व कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे ड्राइंग्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपका फिलेट और चैम्फर यूज हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ आप फिलेट यूज कर सकते हो, सिमिलरली इसमें इसके कॉर्नर्स पे फिलेट वगैरह यूज कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो। शायद आप लोगों की अगर यूज की है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और मेरे चैनल पे बने रहिए आप लोग, ताकि इससे इस जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आप लोगों को मिल सके। देन मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कुछ ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिससे मेरे चैनल से हेल्प हो सके, मेरे वीडियोस से हेल्प हो सके। वैसे लोगों को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि किसी की हेल्प हो सके। बस बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।